मध्य प्रदेश सरकार की वन मित्र योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले टैबलेट की खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लखनादौन जनपद पंचायत में खरीदे गए टैबलेट का बिल उसकी कीमत से ज्यादा जमा किया गया। कमीशन के खेल में भ्रष्ट तंत्र एवं सफेद पोशों की मिलीभगत से पंचायतों में होने वाली टैबलेट खरीदी में जमकर करप्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वन मित्र योजना के तहत टैबलेट खरीदने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लखनादौन जनपद पंचायत की 108 ग्राम पंचायतों में वन अधिकार पट्टा के लिए टैबलेट खरीदी के लिए शासन के द्वारा प्रत्येक पंचायत को 15,000 की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें पंचायत सचिव खुले बाजार में जाकर इन टैबलेट की खरीदी करने के लिए स्वतंत्र था। परंतु कमीशन के खेल में भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र एवं सफेदपोशों की मिलीभगत से पंचायतों में होने वाली टैबलेट खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया गया। जानकारी के अनुसार घनसौर, धनोरा एवं लखनादौन में संयुक्त रूप से जबलपुर के एक दुकानदार ने घर बैठे माल उपलब्ध करा दिया। बताया जाता है कि लेनोवो कंपनी के जिस टैबलेट की खरीदी बल्क में की गई है उसकी बाजारी कीमत 11,665 है, जबकि पंचायतों में जो बिल लगाया गया है वह 14,999 का है, मगर इस हिसाब से भुगतान कर दिया जाता है तो 10 लाख से ज्यादा का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। जब उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि आप अपने मन से जो जो भी पंचायतों में आपको अपने हिसाब से दुकानदारों से जहां से लेना है आप क्रय कर लें, तो उसके लिए फ्री हैंड कर रखा है। हमने पत्र भी जारी किया है कि आप हमको क्रय करके और उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र दे दें। ये बात कही गई है हमारी ओर से, कहीं किसी को कोई बाध्य नहीं किया गया है और न किसी को ये कहा गया है कि किससे आपको परचेस करना है। मार्केट में जो भी दुकानें हैं, इतनी दुकानें हैं, जहां से आपको पसंद हो अपने स्तर से आप ले सकते हैं। 2 अक्टूबर को लागू की गई इस योजना के बाद लगातार अफसरशाही एवं सफेदपोश लोगों ने कमीशन का खेल रचा था। जिले की 5 जनपद पंचायतों की 338 ग्राम पंचायतों में टैबलेट वितरित कर दिया गया है और अब पंचायत सचिवों को फोन पर इन व्यापारियों के द्वारा भुगतान किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि अधिकांश सचिवों ने यह बताया कि अनावश्यक रूप से यह टैबलेट हमें दे दिया गया है। जबकि हम खुले बाजार में खरीदी करते तो शासन का लगभग 3,000 रूपए हर पंचायत के खाते में सुरक्षित होता। अब देखना यह है कि भ्रष्ट अफसरशाही सचिव पर दबाव बनाकर इन बिलों का भुगतान करा लेते हैं या सरकार इन पर कोई कार्रवाई करेगी। इस बारे में कुछ पंचायत सचिवों ने शासन को चिट्ठी लिखकर इस सब से अवगत कराया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।